नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 से 25 लाख रुपया बच्चों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ना है लंबे समय के लिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करें? हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पहले से जो पैसा लगा रहे थे सूद ब्याज पे लगा रहे थे, कमीटी कमीटी खेल रहे थे, या प्लॉट कट रहा था वहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ वीडियो देखा तो क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वैसे जगह पे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? तो यहाँ पे पहले कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर उन सब जगहों पे ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे समय में क्या हो सकता है। 25 लाख रुपया लमसम वन टाइम इन्वेस्ट किया और आने वाले 25 साल तक बच्चों के लिए छोड़ देंगे, अगर छोड़ते ही हैं, एक प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, तो कब उसको बेचते हैं? आंसर मिलेगा कभी नहीं बेचते हैं। तो 25 साल के लिए ड्यूरेशन के लिए छोड़ते हैं 15% के रेट से, ये पैसा 25 लाख रुपए वन टाइम बनता है 8 करोड़ 22 लाख। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि 12% का भी रिटर्न कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो देखते हैं कितना पैसा होता है। उस वन टाइम का 25 लाख का वैल्यू होता है 4 करोड़ 25 लाख रुपया। कैश फ्लो में यहाँ पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। 15% के रेट जोड़ा है, कहाँ 12% का रेट जोड़ा है। 25 लाख का पहले ही साल ब्याज होता है 3 लाख रुपया, तो 28 लाख हो गया। फिर दूसरे साल इस पे ब्याज चलेगा 28 लाख का 12%, 3 लाख 36 हज़ार, 31 लाख 36 हज़ार हो गया। इसी तरह से करके देखेंगे, अगर 10वें साल में जाते हैं, 10वें साल में ब्याज सिर्फ होता है 8 लाख 31 हज़ार, ये 8 लाख 31 हज़ार इस पे चढ़ गया। अगर 15वें साल देखते हैं तो सिर्फ ब्याज ब्याज होता है 14 लाख 66 हज़ार रुपया। और 20वें साल में यदि देखेंगे कि वन टाइम जो 25 लाख रुपया रखा था म्यूचुअल फंड में 12% के रेट से, 25 लाख 83 हज़ार रुपया सिर्फ ब्याज ब्याज होता है 20वें साल में, जबकि 25वें साल लास्ट में देखते हैं 45 लाख रुपया सिर्फ ब्याज होता है, और सबको जोड़ते हैं तो 4 करोड़ 25 लाख रुपया होता है 12% के रेट से। और 15% के रेट से कितना हुआ था यहाँ पे कैलकुलेट करके आप देख ही लीजिए, खुद से कैलकुलेट करेंगे तभी समझ में आएगा कि कितना पैसा हो सकता है और जहां जहां इन्वेस्ट किया वो कितना नहीं बनाया। 8 करोड़ 22 लाख रुपया होता है 15% के रेट से, तो 12 से 15% स्मॉल कैप मिड कैप में लंबे समय में बन जाता है। तो यहाँ पे यदि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स फ्री वाइट पैसा होगा। अलग अलग जगह पैसा लगाया, प्लॉट कटा, फ्लैट कटा, इधर किया उधर किया, उस चक्कर में शुगर बीपी का मेडिसिन भी 15-20 साल से चल रहा है। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे 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 वो गोली जो है वो भी छूटता चला जाएगा। आप कहेंगे कोई नहीं बताया म्यूचुअल फंड के बारे में आज तक। आपको इसलिए नहीं बताया कि जो भी आपको वित्तीय सलाह देता है ना, जो भी आपके पास आसपास में है वित्तीय सलाह देने वाला, उनके पास इंश्योरेंस का एक कोड होता है। उस इंश्योरेंस के कोड में बोलेंगे अच्छा 1.5 लाख रुपया टैक्स बचाने के लिए तो इन्वेस्ट कर दीजिए, टैक्स बचाने के लिए भी वहीं 4-5 लाख रुपया इधर उधर से आया तो वो भी वहीं, जीवन सरल, जीवन आनंद, नाम बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा पर आनंद होने लायक उसमें कोई चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे इंश्योरेंस के कोड में अगर पैसा जाता है और टैक्स बचाने के लिए आप पैसा देते हैं, मान लेते हैं कि आपके टैक्स वाले फंड में 5 लाख रुपया होता म्यूचुअल फंड में, तीन तीन साल दे देते 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख दे देते, लगभग 5 लाख हो गया। पिछले 10 साल का यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं, फंड का नाम है क्वांट टैक्स, IDFC टैक्स, DSP टैक्स सेवर, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इस तरह से टॉप का जो फंड है 21%, 17%, 16%, 16% ऐसे करके रिटर्न दिया है। वन टाइम 5 लाख का वैल्यू है 33 लाख, दूसरे फंड में 5 लाख का वैल्यू है 24 लाख, लेकिन हम एवरेज मानते हैं हमेशा। एवरेज अगर कैटेगरी वाइज चलते हैं तो 5 लाख का वैल्यू एवरेज बना है 20 लाख 21 हज़ार, 14.85% का रिटर्न मिला है। दूसरे जगह जो इन्वेस्ट किए आनंद में, सरल में, ये सब में किए तो कितना मिला 6 से 7%, यहाँ जस्ट डबल से ज़्यादा है और टैक्स ज़्यादा नहीं है, 10% टैक्स है, 10% के बाद वो सारा पैसा आपका है। ये तो हुआ टैक्स वाले फंड के लिए। अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि 25 लाख रुपया अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है? पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं और फंड मैं यहाँ पे बताता हूँ। SBI स्मॉल कैप में वन टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है, SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC, ICICI स्मॉल कैप। मैं हमेशा बोलता भी हूँ बैंक वाले, AMC और फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ से फंड लेते हैं, कोटक
कोटक, HDFC, ICICI, DSP को हटा करके बैंक वाले में चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं 17%, 17%, 16% इस तरह का रिटर्न हुआ है पिछले 10 साल में। 25 लाख वन टाइम का वैल्यू हुआ है, 1,30,00,000, दूसरे फंड में 1,17,00,000। अगर एवरेज का बात करें तो 1,45,00,000 रुपया एवरेज हुआ है 18% के रिटर्न से। तो इस तरह से आप लंबे समय में कैलकुलेट करेंगे, हमने कितना कैलकुलेट किया था, 15%, 12%, यहाँ मिल कितना रहा था पिछले 10 साल में, एक्चुअल मिला है 18%, तो 12 से 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना पैसा मिल जाता है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।